चाइनीज खाने को दिल कर रहा तो वो भी उस नए रेस्टोरेंट से। मैं रोज रोज कहाँ मंगवाती हूँ? अब बैठे रहो फिर महमूद साहब के इंतजार में। गलती तुम्हारी है रवि, तुमने क्यों महमूद साहब को भेजा? तो किसको भेजता? माँ जी को भेज देता, माँ जी अच्छी लगती वहाँ जाती हुई। तो खुद नहीं जा सकता था? मैं वहाँ चला तो जाता लेकिन चाइनीज को इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश तो तुम्हें भी नहीं आती नबील। हाँ तो जब दो लोगों को इंग्लिश आएगी नहीं तो क्या करेंगे, इसलिए मैं गया नहीं। ओ माँ जी आप गिनती गिने यार। कहाँ तक पुत्र? ओ जहाँ तक आपको आती है गिने यार, तब तक हो सकता है महमूद साहब आ ही जाएं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 16, 17, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। वाह माँ जी वाह, थैंक यू पुत्र, थैंक यू। ओ मामो साहब अब तो आ जाए यार। नबील, नबील मैं आ गया। आप मेरी गिनती खत्म होने का इंतजार कर रहे थे अब तक 8। तो यहाँ पे मुसब कहाँ रह गए थे आप? कितनी देर लगा दी आपने, भूख से हमारी जान निकल रही थी। ये देखो मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। यार महमूद साहब आप उस चाइनीज रेस्टोरेंट से खाना थैलियों में लेकर आए। नबील वो चाइनीज रेस्टोरेंट तो अभी खुला ही नहीं है, उसकी ओपनिंग तो अभी अगले हफ्ते में है। तो फिर आप ये क्या उठा कर ले आए? पिछली गली में ना एक नई दुकान खुली है, वहाँ से बिरयानी लेकर आया हूँ। ओ यार अगर हमने बिरयानी खानी होती तो घर में ना पकवा लेते यार। अरे नबील ये कोई मामूली बिरयानी नहीं है, बल्कि बहुत ही मामूली है ना। अरे तुम तो चुप करो यार। अरे नबील वो जो अपना अजमल कसाई नहीं है पिछली गली वाला? अरे जिनकी चांदनी चौक में कसाई की दुकान है। हाँ। अरे उन्होंने अपने घर से बिरयानी का कारोबार शुरू कर लिया है। अपने घर में दुकान खोल ली है? हाँ, खा के देखो सिंधी बिरयानी है भाई। हाँ ये सिंधी बोलती है, मुझे नहीं खानी है सस्ती सी बिरयानी, पता नहीं कहाँ से ले आए आप। अरे जाके देखो वहाँ रश कितना लगा हुआ है, मैंने जब जाके चेक किया ना, अरे तो हर बिरयानी की एक प्लेट के साथ एक कूपन मुफ्त मिल रहा था। कूपन किस चीज का? अरे अलग अलग इनामात नबील, किसी पे गाड़ी, किसी पे फ्रिज, किसी पे टीवी। वशे गाड़ी वाला आए ना तो मुझे देना। महमूद साहब अगर बिरयानियों पे गाड़ियाँ निकल रही होती तो वो खुद बिरयानी क्यों बेच रहा होता? ओ जानू तुम्हें नहीं पता आजकल हर चीज कमर्शियल हो गई है। ओ जानू रमजान के बाद हर आदमी ने नीलाम घर शुरू कर दिया, उससे शोहरत भी मिलती है और रेटिंग भी बढ़ती है। दफा कर पुत्र मुझे बिरयानी दे, मैं तो शुरू करूँ ना। हाँ बड़ी भूख लग रही है यार। ओ यार महमूद साहब ना करे ना यार। अरे यार नबील वैसे बिरयानी थी बहुत मजे की। ओ बस कर दे यार, इंतहाई घटिया थी यार, मैं तो दो नवाले नहीं खा सका यार। ओ यार इससे अच्छी तो सिंधी बिरयानी माँ जी बना लेती हैं। उसे सिंधी कहाँ आती है? बिरयानी को? अरे नहीं यार तुम्हारी माँ को। ओ यार सिंधी बिरयानी के लिए सिंधी आना जरूरी नहीं है, बिरयानी अच्छी बनानी आनी जरूरी है यार। अच्छा हाँ तो फिर उस दुकान पर इतना रश क्यों लगा था भाई? ओ महमूद साहब वो जो बिरयानी के साथ कूपन बांट रहा था ना उसकी वजह से रश होगा। ओ महमूद साहब कूपन से याद आया, वो साथ जो कूपन आए थे यार वो कहे? हो सकता है हमारा कोई इनाम ही निकल आए। अरे नहीं यार नबील वो कूपन तो मैंने बिरयानी खाने से पहले ही खोल कर देख लिए थे, उन पे लिखा था बेटर लक नेक्स्ट टाइम। यार आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? यार नबील मैंने सोचा पहले कम से कम बिरयानी तो मजे लेकर खा लूं। ओ यार खाक मजा लेके खा ले यार, उस कसाई ने हमें बेवकूफ बनाया है। देखिएगा ये जितने भी लोग हैं ना सब मिलकर मारेंगे उसे। अरे क्यों मारेंगे भाई, वो बिरयानी के पैसों में कम से कम बिरयानी तो दे ही रहा है ना। अरे उसमें से कुछ निकले या ना निकले ये तो बिरयानी खाने वाले की किस्मत है ना, लेकिन इस तरीके से उसका बिजनेस तो खूब चल रहा है ना। यार मैं मूसा भी आदमी तो अली इमरान के भाई अदनान जैसा निकला है। हाँ नबील बिजनेस माइंडेड आदमी निकला है। यार अदनान से याद आया मैं मूसा, क्या कि वो लोगों को बेवकूफ बनाकर अगर पैसे कमा सकता है तो हम ये काम तो उससे कहीं ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। वो कैसे? हम भी बिरयानी बेचना शुरू कर देते हैं महमूद साहब। हाँ और तुम्हारी माँ के हाथ में तो जायका भी है और खूबसूरत प्रेजेंटेबल भी है, और हम सिर्फ कूपन्स बनाएंगे और वो भी सारे के सारे खाली। ये हुई ना बात। डन हो गया महमूद साहब, आप जाके माँ जी से बात करें, मैं खूबसूरत को अपने नए बिजनेस का प्लान बताता हूँ। वो जो तुम खूबसूरत को अपने नए बिजनेस का बता कर आओगे वो प्लान होगा? हाँ जी। जानू, जानू,
क्यों रहे हो? जानू तुम सुनोगे ना तुम भी चिल्लाओगी। मैं तो वैसे भी चिल्लाती रहती हूँ, तुम पे कोई असर होता है क्या? जानू लेकिन आज तुम सुनकर खुशी से चिल्लाओगी, मेरा माथा चूम लोगी, मेरे पांव को हाथ लगा कर ये बोलोगी कि सरताज यू आर जीनियस। व्हाट? हाँ जानू। नबील पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि तुम फिर से मुझे कोई टेंशन देने वाले हो। जानू आज मैं तुम्हारी सारी टेंशनें खत्म करने वाला हूँ, आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में सुकून ही सुकून हो जाएगा। क्यों? तुम कहीं जा रहे हो क्या? हाँ जानू, मैं नया बिजनेस करने जा रहा हूँ। क्या? देखा जानू, देखा, हैरान रह गई ना? नबील प्लीज अब मुझसे अपना ये नया बिजनेस डिस्कस मत करना प्लीज। लेकिन जानू अगर मैं तुमसे डिस्कस नहीं करूंगा तो तुम मुझे उस बिजनेस के लिए पैसे कैसे दोगी? वैसे तो मैं तुम्हें वैसे भी नहीं दूंगी नबील। एक बात सुन तो लो जानू। मुझे नहीं सुनना नबील। बस ये क्या बात हुई, जब भी मैं कोई ढंग का काम करना चाहता हूँ तो मुझे डिस्करेज करती हो। तुम चाहती नहीं हो कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि मैं इस मोहल्ले में सर उठा कर चल सकूं। ऐसा क्या काम करने वाले हो तुम? हाँ जानू ये बात हुई ना, मैंने और महमूद साहब ने सोचा कि हम खाने का बिजनेस करेंगे। नबील तुम और महमूद साहब खाने और सोने के अलावा कोई और बिजनेस करते भी कहा? नहीं तुम समझी नहीं हो, हमने ये सोचा है कि हम बिरयानी बेचेंगे। क्या? जानू मैं नहीं चाहता हमारी ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो, पहले एक पतीले से काम शुरू करेंगे फिर शहर के कोने कोने में फैल जाएंगे। व्हाट? और जानू एक और बात, बिरयानी भी हम घर में ही पकवाएंगे। कौन पकाएगा बिरयानी? अरे मोमो तुम्हारे अलावा किसके हाथ में ऐसा जादू है कि वो सिंधी बिरयानी पका सके? हाँ मोमो तुम बिरयानी पकाओगी और खूबसूरत लोगों में कूपन बांटेगी। आप दोनों ने भी काम वो वाला सोचा हुआ है ना कि जिसमें आप दोनों को कोई काम ही ना करना पड़े। अरे कैसी बातें कर रही हो मोमो, असल काम ही हमारा है, हम बिरयानी बेचेंगे। अरे बिरयानी तो कोई भी बना सकता है, असल काम उसे बेचना है, बेचना। हाँ तो ठीक है, आप लोग बिरयानी बनाए तो मैं उसको बेच आऊंगी। नबील क्या कहा खूबसूरत ने? महमूद साहब उसने मना कर दिया। भाई ये तो कमाल हो गया, अरे तुम्हारी माँ ने भी बिरयानी बनाने से इनकार कर दिया है। यार नबील हमारी किस्मत में ना मुफ्त की रोटियां तो उड़ना ही लिखा है, ये कमाना बमाना हमारे नसीब में नहीं है। यार कैसी बातें कर रहे हैं महमूद साहब, आप बिरयानी के काम को हल्का मत लें। अच्छा? हाँ महमूद साहब, अगर आज हम एक पतीला बेचेंगे, कल एक डेग बेचेंगे, फिर दो डेगे, फिर शहर में देखते देखते हमारी बिरयानी डिलीवर हो रही होगी, शहर के सारे दफ्तरों में ARY के कोने कोने में हमारी बिरयानी डिलीवर होगी, बुलबुले बिरयानी। देखते ही देखते हम एक साल के अंदर अपना रेस्टोरेंट खोलेंगे, फिर दो, फिर तीन, फिर हमारी अपनी एक रेस्टोरेंट की चेन होगी। रेस्टोरेंट्स में चेन भी होगी? अरे महमूद साहब वो चेन नहीं यार, चेन ऑफ रेस्टोरेंट, अमेरिका, दुबई, इंग्लैंड, पेरिस, जर्मनी, हर जगह। अरे महमूद साहब हर जगह हमारी बिरयानी के रेस्टोरेंट होंगे, जहाँ जहाँ बुलबुले देखा जाता है वहाँ वहाँ बुलबुले बिरयानी होगी। बस नबील बस, मुझे इससे ज्यादा ख्वाब मत दिखाओ, मत दिखाओ। ये ख्वाब हकीकत बनने वाला महमूद साहब। लेकिन ये सब होगा कैसे नबील? बस महमूद साहब यही एक बात सोचने वाली रह गई है कि ये होगा कैसे। महमूद साहब आइडिया। क्या? ताली मारे महमूद साहब, पहले आइडिया तो दो। महमूद साहब आइडिया ये है कि हम बाजार से बिरयानी की पकी पकाई देग लाएंगे और बेचेंगे। हाँ महमूद साहब, इससे माँ जी और खूबसूरत को भी कोई एतराज नहीं होगा। आइडिया तो बुरा नहीं है नबील, लेकिन बिरयानी लाएंगे कहाँ से? अरे महमूद साहब बिरयानी उसी से खरीदेंगे, पिछली गली वाला जो है जो लोगों को बेवकूफ बना के बिरयानी की थैलियां बेच रहा है। हाँ महमूद साहब कूपन भी मिल जाएंगे, हो सकता है हमारा कोई नाम निकल आए। अरे वाह नबील क्या आइडिया सोचा यार तुमने, है ना? तो फिर इसी बात में निकाले 5,000 रुपया। अरे मैं 5,000 रुपया क्यों दूं भाई? अरे महमूद साहब इसलिए कि इस कारोबार में सबसे ज्यादा फायदा जो होना है वो आपको होना है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा मुनाफा मेरे हिस्से में आएगा। अरे नहीं महमूद साहब, जो बिरयानी रोज बचा करेगी वो कौन खाएगा? आप खाएंगे। अरे अब तो खुश है ना आप? बहुत ज्यादा नवीन, बहुत ज्यादा। आए फिर कूपन का इंतजाम करें, आ जाए। चला। अरे आप फिक्र ही ना करें अजमल भाई। हाँ अरे पैसे रोज के रोज। हाँ इधर बिरयानी की खाली देग आई और उसके साथ ही पैसे आपके पास। हाँ, बस हम थोड़ी देर में आ रहे हैं। अजी बेहतर बेहतर बेहतर। नबील नबील। महमूद साहब मैंने खाली पर्चियां डाल दी। अरे खाली पर्चियां क्यों भाई, इन पे कुछ लिख के डालो। खुदा को माने महमूद साहब अगर लिख कर डालूंगा तो लोगों को इनाम कहाँ से देंगे? हाँ एक बिरयानी की थैली के साथ पर्ची, मेरा मतलब कूपन पकड़ा देंगे। हाँ ये ठीक है।
अच्छा अपना नबील, मैंने अजमल कसाई से ना उधार पर देग उठाने की बात कर ली है। वेरी गुड महमूद साहब, बस हमें उसे रोज के रोज पैसे देने होंगे। अरे आप फिक्र ही ना करें यार। नबील तुम्हें तो उसके गुस्से का पता है ना। महमूद साहब आप एक बार काम शुरू होने दें, फिर देखिएगा। इसमें क्या है पता है? कूपन हाँ मोमो, वो जो हम बिरयानी के हर पैकेट के साथ लोगों को देंगे। हाय अनाम वाले कूपन। हाँ वही वही अनाम। इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा। यार नबील कम से कम खूबसूरत से इस पर बेटर लक नेक्स्ट टाइम तो लिखवा लो। अरे लिखवा लेंगे यार, आए पहले बिरयानी की देख तो पकड़े। वो जो पकड़नी है वो बिरयानी की देख होगी। हाँ जी। अच्छा जी, चले फिर चलो। आए, खाली है? है? खाली हाँ, ये भी खाली। तो जो मैंने बिरयानी खरीदी तो मेरा तो कोई अनाम निकलना ही चाहिए ना। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये बबल। अश वशे अब चलेगी ना बुलबुले बिरयानी। यार नबील मक्खियों के अलावा तो यहाँ कोई नहीं आ रहा, और मक्खियों के पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हमसे बिरयानी खरीदें। ओ माँ जी आप चुप करें यार, कुछ सोचने दें। क्या हुआ नबील, सारी बिरयानी बिक गई? खूबसूरत, हमारे जख्मों पे नमक मत छिड़को। एक घंटे से कोई एक आदमी भी नहीं आया हमारे पास। बिरयानी भी ठंडी हो गई है यार। नबील कोई उसी वक्त आएगा ना जब उसको पता होगा कि तुम लोग घर के अंदर बिरयानी बेच रहे हो। क्या मतलब? अरे ये बैनर घर के बाहर जाकर लगाओ और कोई अनाउंसमेंट करवाओ लाउड स्पीकर पे, ताकि लोगों को पता तो चले। मैं हूँ सब, देखा ना आपने, मैं आपसे पहले कह रहा था बैनर बाहर लगाएं। तुमने कब कहा यार? अभी तो कहा है मैंने। ओ जाएं यार, जाके बैनर बाहर लगाएं। ठीक है, फिर तुम भी गली में जाके अनाउंसमेंट करो। ठीक है माँ जी, आप देख पे बैठे। मैंने नहीं बैठना, बहुत गर्म है। महंगाई से तंग आए हुए अफराद के लिए बुलबुले बनाने वालों की तरफ से एक जबरदस्त ऑफर। बुलबुले की बेशुमार कामयाबी के बाद अब पेश खिदमत है बुलबुले बिरयानी। जी हाँ, लजीज जायकेदार सिंधी बिरयानी, चावल कम गोश ज्यादा, ये है वादा हमारा। आपके मोहल्ले में बुलबुले हाउस में बुलबुले बिरयानी, एक प्लेट बिरयानी के साथ एक कूपन फ्री, जिसमें लाखों रुपए के इनामात। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आप लोग? आइए आइए, जल्दी आइए, जल्दी पाइए, आइए आइए। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अरे ये तो कमाल हो गया नबील, सारी की सारी बिरयानी खत्म हो गई। हाय ओए, सारी की सारी बिरयानी खत्म हो गई। हाय मैंने तो भी और खानी थी। जाएं जल्दी से ना पीछे वाली गली से एक प्लेट बिरयानी पकड़ लाए मेरे लिए। अरे तुम तो बस कर दो यार। देख लिया महमूद साहब मेरे आइडिया का कमाल। हाँ नबील, मैं तो तुम्हें मान गया यार। थैंक यू महमूद साहब। अच्छा ये बता कितने की कमाई हुई है? महमूद साहब पूरे 8,000। 8,000? 8,000? 5,000 तो चले जाएंगे बिरयानी की देख के, बाकी बचे 3,000 रुपए। पूरे 3,000? और 3,000 के होंगे 3 हिस्से। 3 हिस्से किस बात के माँ जी? और पुत्र हम तीनों के। बस कर दे यार, आपने तो बिरयानी बनाने से मना कर दिया था, वरना हमें आज ज्यादा प्रॉफिट होता। हाँ तुम्हारा हिस्सा तुम्हें आ गया, ये जो बिरयानी खा रही हो, इस 3,000 में सिर्फ मेरा और नबील का हिस्सा है। क्यों नबील? किस चीज का हिस्सा क्या है? अरे यार नबील, मैंने भी तो तुम्हारे साथ इतनी मेहनत की है यार। बिरयानी मैं लेकर आया, अरे बैनर मैंने बनवाया, बाहर मैंने लगाया। ठीक है, आइडिया किसका था? तुम्हारा। तो फिर ये सारा प्रॉफिट भी मेरा ही है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा भाई? एक तो महमूद साहब मैं आपकी जहालत से बहुत तंग है। दुनिया भर में सिर्फ आइडिया की कीमत होती है यार। अरे बस करो ये भाषण, मुझे मेरा हिस्सा दो। ठीक है महमूद साहब, मैं इन पैसों से अपने लिए टी शर्ट लेने जा रहा हूँ,
एक आधी आपको भी दिलवा दूंगा। मुझे तुम मुझे दिलाओगे वो टी शर्ट होगी। हाँ जी चले। पुत्र मेरे लिए? आपके लिए मैं एक और बिरयानी की प्लेट लेके आऊंगा। होशाबाशे। चले चले आए। हेलो नबीर, अरे क्या हम रोज इसी तरह शॉपिंग किया करेंगे? अरे मामू साहब अभी तो इब्तिदा है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अरे ये इतने सारे लोग हमारे लॉन में क्या कर रहे हैं? मामू साहब बिरयानी लेने आए होंगे और क्या। हाँ मुझे भी यही लग रहा है। मामू साहब कल से ना अजमल कसाई से दो देगे लेनी है। ठीक है आओ देखिए क्या क्या। अरे आ जा आ जा। अरे भाइयों बिरयानी खत्म हो गई, अब कल आना। अबे हम बिरयानी लेने नहीं आए। तो क्या लेने आए हो भाई? अरे भाई हम अपने कॉपिन का इनाम लेने आए हुए। कौन सा इनाम? ये देखो तुम्हारी बिरयानी के साथ जो मुझे कॉपिन मिला था उसमें मेरा मोटरसाइकिल निकला है। मेरी स्त्री, मेरी वॉशिंग मशीन, मेरा एसी और मेरा टीवी और मेरा गाड़ी। नबील कूपन तो खाली देना। हाँ मामू साहब। अरे तो फिर इनमें इनाम कहाँ से आ गए? ओ पुत्र मैंने पर्चियों में ना गलती से सारे इनाम लिख दिए थे, टीवी फ्रिज रेडियो वही लेने आए ये लोग। अम्मा जी ये क्या कर दिया आपने? भाइयों ये बताएं कि कूट आप यहाँ लगाएंगे या बाहर गली में? भागो नबे। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।